आप कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसी पॉपुलर स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी सीयूईटी एग्जाम 2023 के बेसिस पे। जी हाँ, एडमिशन इन बीटेक सीएस आईटी थ्रू सीयूईटी 2023। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जेई के एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो सीयूईटी का ये जो एग्जाम है ये आपको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बीटेक में एडमिशन पाने का 2023 में। तो बीटेक फंडस बाय संस्थान के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे बीटेक कॉलेजेस जहां से आप सीएस और आईटी जैसी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो भी सीयूईटी 2023 के थ्रू। और हम जानेंगे इनकी क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रैंकिंग है, ये सभी डिटेल्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डेलॉयट, इंफोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो आप सभी को अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका एक डिवीजन है डीटीयू यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें जो एडमिशन होता है वो होता है जेईई एग्जाम के बेसिस पे। लेकिन इसका एक और डिवीजन है सीआईसी यानी कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। यहाँ पे जो बीटेक में एडमिशन होता है वो होता है सीयूईटी के बेसिस पे। तो इस क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में आप बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं सीयूईटी 2023 के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो बीटेक में आपको स्ट्रीम मिलने वाली है वो है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है जिसे आप सीयूईटी के थ्रू पा सकते हैं, वो भी बीटेक में। तो डीयू सीआईसी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के थ्रू आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि सेक्शन 1A में आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, सेक्शन 2 में केवल आपको एक डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो है जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। इसके बेसिस पे आप डीयू सीआईसी को टारगेट कर सकते हैं बीटेक की इस ब्रांच के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो सीआईसी सेंटर है जहाँ पे आप बीटेक करेंगे, यहाँ की जो फीस है वो बहुत ही कम है, वो है 18,000 रुपये पर एनम, जो कि लगभग पूरे कोर्स की 75,000 रुपये के करीब है, जो कि मेरे हिसाब से बीटेक जैसे कोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस है। और यहाँ पे पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें तो वो 25 लाख तक चला जाता है और एवरेज पैकेज 8 लाख रुपए तक रहते हैं। सेकेंड नंबर की यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। यहाँ पे अगर बीटेक की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच आपको मिलेगी सीयूईटी के थ्रू। यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है डोमेन सब्जेक्ट की वो है केवल मैथ्स और फिजिक्स। यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में से आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सीयूईटी के थ्रू सिर्फ सीएससी ब्रांच ही नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको और ब्रांचेस भी ऑफर की जाती है। इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज। इन सभी ब्रांचेस के लिए भी आप सीयूईटी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉलेज की जो फीस है वो काफी नॉमिनल है, 2 से 3 लाख रुपए के करीब है ट्यूशन फीस पूरे कोर्स की। और यहाँ पे जो पैकेजेस जाते हैं वो भी काफी अच्छे जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख रुपए के करीब और एवरेज पैकेज 4.5 लाख रुपए के करीब। तो आप जरूर इस कॉलेज को फोकस कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। तीसरी यूनिवर्सिटी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे भी आप बीटेक में कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं सीयूईटी एग्जाम 2023 के बेसिस पे। बस ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया होगा वो डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा और सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इस यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करते हैं तो सीएससी ब्रांच के अलावा आप सिविल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको भी टारगेट कर सकते हैं इस कॉलेज में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस कॉलेज की जो फीस है वो 4 से 6 लाख रुपए के करीब है पूरे कोर्स की। और यहाँ के जो पैकेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस 22 लाख रुपए के करीब और एवरेज पैकेजेस 4 से 6 लाख रुपए के करीब। फोर्थ यूनिवर्सिटी है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं सीयूईटी एग्जाम 2023 के बेसिस पे। यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सीएससी में आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, जैसे कि यूआई यूएक्स स्पेशलाइजेशन। तो ये सभी स्पेशलाइजेशन आप सीएससी में कर सकते हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका सीयूईटी के थ्रू क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज डोमेन सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज इन सेक्शन 1। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बस इतना सा है कि 12th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स आए होने चाहिए। यहाँ की अगर हम फीस की बात करें तो पूरे कोर्स की फीस 7 लाख रुपए के करीब है और यहाँ पे एवरेज पैकेजेस काफी ज्यादा अच्छे जाते हैं। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 36 लाख रुपए तक रहा है और एवरेज पैकेजेस 6 लाख रुपए तक जाते हैं। फिफ्थ जो यूनिवर्सिटी है वो है अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो कि झारखंड में है। ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है अपने
टीचिंग और अपने प्लेसमेंट्स के लिए काफी ज्यादा मानी जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसा कोर्स पा सकते हैं सीयूटी एग्जाम 2023 के बेसिस पे। इसके अलावा ये जो कॉलेज है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसा कोर्स भी ऑफर करता है सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बस इतना सा है कि 12th में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और जो सीयूईटी का सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो है फिजिक्स मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट में होने चाहिए, इसके अलावा केमिस्ट्री हो या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। टोटल फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ की टोटल फीस है 4 से 5 लाख रुपए के करीब पूरे कोर्स की। यहाँ के जो पैकेजेस जाते हैं वो काफी अच्छे जाते हैं, हाईएस्ट पैकेज 9 लाख रुपए के करीब है और एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख रुपए के करीब। तो स्टूडेंट्स अगर आप 2023 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करने का प्लान कर रहे हैं और सीयूईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑफर करते हैं कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच बीटेक जैसे कोर्स में। तो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंडस बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।